मध्य पूर्वी देश ईरान पर आरोप है कि 16 जनवरी की देर रात पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की। ये स्ट्राइक आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों पर की गई। अब मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई कर दी है और ईरान में बलूच लिबरेशन आर्मी के ठिकानों पर हमले कर दिए हैं। दावा है कि हमले ईरान के सारावन इलाके में अलगाववादी संगठन के 60 ठिकानों पर किए गए। इसके बाद पाकिस्तान और ईरान के रिश्तों में जबरदस्त तनाव पैदा हो गया है। माना जा रहा है कि ईरान और पाकिस्तान के बीच हमले ऐसे समय पर हुए जब मिडिल ईस्ट में संकट गहराया हुआ है। इसराइल और हमास के बीच पहले से ही युद्ध चल रहा है। इससे पहले पाकिस्तान पर हमले को लेकर ईरानी मीडिया ने बताया था कि हमले में आतंकी ग्रुप जैश अल अदल को विशेष रूप से टारगेट किया गया। ईरान का दावा है कि उसने आतंकियों के दो गढ़ को सफलतापूर्वक तबाह कर दिया था, जबकि पाकिस्तान का कहना है कि इस हमले में दो पाकिस्तानी बच्चों की मौत हो गई। पाकिस्तान ने इसे उकसावे वाली कार्रवाई बताया था और पाक के विदेश मंत्री ने ईरान पर पलटवार करने की बात कही थी। दूसरी तरफ ईरान और पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव में चीन भी कूद गया है। चीन ने पाकिस्तान और ईरान दोनों देशों से कहा है कि वो तनाव ना बढ़ाएं, क्योंकि इससे दोनों देशों को ही नुकसान होगा। पाकिस्तान और ईरान दोनों ही शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO के मेंबर हैं और चीन के करीबी ट्रेडिंग पार्टनर भी माने जाते हैं। अब बात करते हैं ईरान ने जिस संगठन पर एयर स्ट्राइक की वो है क्या। दरअसल जैश अल अदल एक आतंकी संगठन है जिसके नाम का अर्थ है न्याय की सेना। इसकी स्थापना साल 2012 में हुई थी। ये एक सुन्नी आतंकवादी समूह है जो पाकिस्तान से ऑपरेट होता है। पाकिस्तान के सिस्तान बलूचिस्तान से ऑपरेट होने वाला ये संगठन ईरान और पाकिस्तान की सीमा पर काफी एक्टिव है। यही वजह है कि ये संगठन दोनों ही सरकारों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। अमेरिका और ईरान दोनों ही संगठन को आतंकी घोषित कर चुके हैं। इस सुन्नी संगठन में 500 से 600 आतंकी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मार्च 2016 में जैश अल अदल ने ही भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को ईरान के चाबहार से अगवा किया था। जाधव के अपहरण के बाद ये आतंकी संगठन भारतीय खुफिया एजेंसियों के रडार पर आ गया था। एजेंसियों का कहना था कि जाधव के अपहरण के बाद जैश अल अदल ने उसे पाकिस्तान के आतंकी संगठन ISI को सौंप दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने जाधव पर भारतीय जासूस होने का आरोप लगाकर उसे कैद कर लिया था। इस मामले में भारत और पाकिस्तान के बीच काफी तनाव बढ़ गया था। जैश अल अदल ने 2013 में पहली बार सुर्खियां तब बटोरी थी जब उसने ईरान के 14 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। इसके बाद ईरान सरकार ने कुछ बलूच कैदियों को फांसी की सजा का ऐलान किया था और इस हमले के अगले ही दिन ईरान ने कई कैदियों को फांसी दे दी थी। अमेरिका के डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस के मुताबिक जैश अल अदल ने 2013 से ईरान की सीमावर्ती पुलिस और सेना पर लगातार कई हमले किए। यह आतंकी संगठन सरकारी अधिकारियों और नागरिकों की हत्या, अपहरण, हिट एंड रन और रेड जैसी गतिविधियों में शामिल रहा है। इन सब के बीच ईरान ने ये एयर स्ट्राइक तब की जब जैश अल अदल ने पिछले महीने दक्षिण पूर्वी प्रांत सिस्तान बलूचिस्तान के एक पुलिस स्टेशन पर देर रात हमला किया था, जिसमें 11 पुलिस अधिकारी मारे गए थे। दावा है कि ईरान ने पिछले दो दिनों में पाकिस्तान ही नहीं बल्कि ईरान और सीरिया पर भी एयर स्ट्राइक की है। इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए न्यूज 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।